विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही अब बिहार चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में 55 बड़े घोटाले होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में लाखों करोड़ के 55 बड़े स्थापित घोटाले हुए हैं, लेकिन पीआर समर्थित ईमानदारी का चोला ही इतना मोटा ओढ़े हुए है कि कोई जांच और परिणाम को फॉलो नहीं करता। नीतीश जी में हिम्मत है तो कहें कि लाखों करोड़ के ये 55 घोटाले उनके संरक्षण में नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने अपने एक ट्वीट में एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उनके द्वारा 15 घोटालों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सृजन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, धान घोटाला, दवा घोटाला समेत 55 घोटाले शामिल हैं। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से लगातार पोस्टर और बैनर जारी कर जेडीयू बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। न्यूज डेस्क।